चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका पर बहुत दिनों से एक वीडियो ड्यू था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको एक ग्रुप स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका से वीडियो दूंगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कार्बन ग्रुप मेडिसिंस के ऊपर। सबसे पहले आपको इसमें ये जानना चाहिए कि वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो कार्बन ग्रुप को बिलोंग करती हैं। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले कार्बो एनिमेलिस, सेकंड नंबर कार्बो वेज, थर्ड नंबर ग्रेफाइटिस, फोर्थ नंबर पेट्रोलियम, फिफ्थ नंबर क्रियोजोटम। दोस्तों, ये जो पांच रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत कॉमनली यूज्ड होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं प्रैक्टिस में, और जो कि कार्बन ग्रुप को बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कार्बन ग्रुप के कॉमन फीचर्स की। इसमें आपको दो बातें नोट करनी है जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। पहले मैं आपको कार्बन ग्रुप के कुछ कॉमन फीचर्स बताऊंगा। हर कॉमन फीचर्स के साथ फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर कॉमन फीचर किस मेडिसिन में ज्यादा प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। जो भी मैं आपको कॉमन फीचर बताऊं, सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि ये कॉमन फीचर, चूंकि जब मैं कॉमन फीचर कह रहा हूं इसका मतलब ये जो भी पांच रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं इन सभी में ये फीचर पाया जाएगा, लेकिन वो फीचर किसी एक मेडिसिन या दो मेडिसिन में बहुत प्रीडोमिनेंटली पाया जाएगा, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, मैं बात करता हूं कार्बन ग्रुप में पाए जाने वाली मेडिसिन के कॉमन फीचर्स की। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सवाल भी करूंगा, एक आपको क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर मेरे इस वीडियो के अंदर ही है। तो आप पूरा वीडियो उसको देखिए, ध्यान से सुनिए, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कार्बन ग्रुप। इसका जो सबसे पहला कॉमन फीचर है कार्बन ग्रुप का, वो है अल्सरेटिव टेंडेंसी। देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि व्हाट इज अल्सर। अल्सर इज द ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकोजा एंड द स्किन। मतलब हमारी स्किन और हमारी म्यूकोजा, स्किन हमारा आउटर लेयर है बॉडी का, म्यूकोजा हमारा इनर लेयर है बॉडी का, और दोनों ही एक कंटिन्यूअस लेयर हैं, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती। लेकिन जब भी हमारी स्किन या म्यूकोजा कहीं से टूट जाती है, कहीं से उनमें ब्रीच आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड अल्सर। तो कार्बन ग्रुप की जो मेडिसिन है उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो अल्सर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है, अल्सरेटिव टेंडेंसी रखती है। अल्सर्स की ये जो टेंडेंसी है वो पर्टिकुलरली कार्बोवेज में बहुत ज्यादा मिलती है, पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा मिलती है। जैसा आपने जो भी थोड़ा बहुत पेट्रोलियम के बारे में जानते होंगे उन्होंने देखा होगा, उसमें स्किन में जो पाम एंड सोल्स क्रैक हो जाते हैं, उनसे ईचिंग होने लगती है, उनमें ब्लीडिंग होने लगता है, ये तो पेट्रोलियम में होता है। इसके अलावा कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसको छालों की बहुत टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसको हाइपोक्सिया भी होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी स्किन और उसकी जो म्यूकोजा है वो बहुत जल्दी टूटती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला कॉमन फीचर इज अल्सरेटिव टेंडेंसी, जो कि प्रीडोमिनेंटली कार्बोवेज एंड पेट्रोलियम में पाया जाता है। इसके अलावा क्रियोजोटम के अंदर भी बहुत अल्सरेटिव टेंडेंसी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रियोजोटम जिस पार्ट को भी छूता है उस पार्ट को सोर कर देता है, उस पार्ट को छील देता है, इसलिए अल्सरेटिव टेंडेंसी इन तीनों में काफ़ी प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है। अगर हम ग्रेफाइटिस की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेफाइटिस भी हमारी स्किन को क्रैक करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन
ग्रेफाइटिस की ये जो क्रैकनिंग करने की जो कैपेसिटी है या जो अल्सर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो खास म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पर होती है। म्यूकोकुटेनियस जंक्शन हमारी बॉडी के वो जंक्शंस होते हैं जहां म्यूकोजा और स्किन यूनाइट करते हैं, जैसे हमारा माउथ, हमारी नेजल जो नोस्ट्रिल्स हैं या हमारी एनस, ठीक है, ये वो जगह हैं जहां स्किन और म्यूकोजा आपस में मिलती हैं। तो इन जगहों पर अल्सर्स प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी ग्रेफाइटिस में बहुत ज्यादा होती है। क्रियोजोटम का मैंने आपको बताई दिया कि ये जिस पार्ट को छूता है उसको सोर कर देता है। पेट्रोलियम में स्किन को क्रैक करने की और अल्सर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, खास करके हमारे पाम एंड सोल्स। और कार्वोवेज के अंदर म्यूकोजा में अल्सरेटिव टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हालांकि कार्वोवेज हमारे स्किन वुंड्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है उसको हील करने के लिए। तो पहला कॉमन फीचर आपने देखा अल्सरेटिव टेंडेंसी। अब आते हैं दूसरे कॉमन फीचर पर। दूसरा जो कॉमन फीचर है कार्बन ग्रुप का वो है ऑफेंसिवनेस। दोस्तों ज्यादातर मेडिसन्स के जो डिस्चार्जेस हैं वो बदबूदार होते हैं। क्रियोजोटम का बदबूदार डिस्चार्ज होता है, कार्वोवेज का बहुत ज्यादा बदबूदार डिस्चार्ज होता है। तो कार्वोवेज वैसे ऑफेंसिवनेस पूरे कार्बन ग्रुप में कॉमन है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये कार्वोवेज और क्रियोजोटम के अंदर ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉमन फीचर की। तो दोस्तों तीसरा कॉमन जो फीचर है वो है बर्निंग पेन, चाहे वो पेन इन फॉर्म ऑफ हेडेक हो, चाहे वो पेन इन फॉर्म ऑफ हार्ट बर्न हो, चाहे वो पेन किसी एब्डोमन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से हो, जितने भी पेन्स ज्यादातर कार्बन ग्रुप की मेडिसिंस में होते हैं उनमें बर्निंग पेन होता है, और खास करके ये बर्निंग पेन कार्बो वेज और कार्बो एनिमेलिस को ज्यादा बिलोंग करता है, और इनमें कोल्ड से रिलीफ आता है इस प्रकार के जो बर्निंग पेन होते हैं। तो अल्सरेटिव टेंडेंसी, बर्निंग पेन एंड ऑफेंसिवनेस, ये तीन कॉमन फीचर मैंने आपको कार्बन ग्रुप के दिए। चौथा फीचर है जो कि कॉमन है इनमें, दैट इज ग्लैंडुलर अफेक्शंस। अगर हम बात करें तो कार्बन ग्रुप के अंदर ग्लैंडुलर अफेक्शंस बहुत पाए जाते हैं। जो भी ग्लैंड इसमें अफेक्ट होती है वो ग्लैंड हार्ड हो जाती है, इंड्यूरेटेड हो जाती है, पेनफुल रहती है, और इसमें कैंसरस अफेक्शंस बहुत पाए जाते हैं। खास करके ये जो ग्लैंडुलर अफेक्शंस हैं वो कार्बो एनिमेलिस और ग्रेफाइटिस के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बो एनिमेलिस, दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आपके ब्रेस्ट के कैंसर हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, या आपके जब लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं जिनको हम बीबोस कहते हैं, जब आपके लिम्फ नोड इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, इंड्यूरेटेड हो जाते हैं, तो उसमें भी कार्बो एनिमेलिस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो कि अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हेमरेजिक टेंडेंसी भी एक कॉमन फीचर है कार्बन ग्रुप का, चाहे वो कार्बो वेज हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो क्रियोजोटम हो, इन तीन रेमेडी में हेमरेजिक टेंडेंसी बहुत प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है। जैसे मैं कार्बोवेज की बात करूं तो उसको हर जगह से पैसिव ब्लीडिंग होती है। अगर मैं क्रियोजोटम की बात करूं तो आप सभी जानते हैं क्रियोजोटम में एक्रिडिटी, ऑफेंसिवनेस और हेमरेजिक टेंडेंसी, ये तीन मेन फीचर्स होते हैं। तो क्रियोजोटम के अंदर भी हेमरेजिक टेंडेंसी है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, पेट्रोलियम जब स्किन को क्रैक करती है तो उसमें इचिंग के साथ साथ ब्लीडिंग भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कितने फीचर्स बता दिए, मैंने आपको अल्सरेटिव टेंडेंसी बताई, मैंने आपको ऑफेंसिवनेस बताया, मैंने आपको बर्निंग पेन बताया, मैंने आपको ग्लैंडुलर अफेक्शंस बताए, मैंने आपको हेमरेजिक टेंडेंसीज बताई। तो पांच फीचर्स हो गए दोस्तों। अब जो लास्ट फीचर है कार्बन ग्रुप का, वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कार्बन ग्रुप की मेडिसिंस में। ये ऐसा फीचर है दोस्तों जिसको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिंदगी भर कार्बन ग्रुप की कोई भी मेडिसिन भूलेंगे नहीं।
और ये ऐसा की फीचर है जिससे आप कार्बन ग्रुप की मेडिसिंस के हर सिम्टम को खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फीचर है वो है स्लगिशनेस एंड स्लोनेस। जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, चाहे वीडियो भले ही लंबा हो रहा हो लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है और इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको। स्लगिशनेस और स्लोनेस कार्बन ग्रुप की सभी मेडिसिंस में बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है और ये तीनों लेवल पर पाया जाता है। अगर मैं इमोशनल लेवल की बात करूं तो कार्बन ग्रुप की जितनी भी मेडिसिंस होती हैं वो इमोशनली बहुत टिमिड होती हैं, शाय होती हैं, कंफ्यूज्ड होती हैं, अपनी बात को किसी के आगे रख नहीं पाती, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड टाइप की पर्सनालिटी होती हैं, डरपोक पर्सनालिटी होती हैं। तो ये इमोशनल लेवल पर भी स्लगिश होती हैं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को जल्दी नहीं रख पाती सामने किसी के। दूसरा, इसका मतलब ये इमोशनल लेवल पर एक स्लो पर्सनालिटी है, चूंकि ये टिमिड हो रहा है, साथ में कंफ्यूज भी है, डिसीजन नहीं ले पाते, कभी उसको कोई चीज अच्छी लगती है कभी उसको कोई चीज लगती है। तो इससे क्या हमको देखने को मिलता है कि इमोशनल लेवल पर कार्बन ग्रुप की जो मेडिसिंस हैं वो स्लो हैं, स्लगिश हैं, एक्टिव नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप मेंटल लेवल पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन ग्रुप की सारी मेडिसिंस की मेंटल एबिलिटीज अच्छी नहीं होती। खास करके यहां पर मैं ग्रेफाइटिस पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जब भी किसी स्टूडेंट को ग्रेफाइटिस पढ़ाता हूं तो उसके साथ में कैल्केरिया कार्प का कंपैरिजन जरूर करता हूं। कैल्केरिया कार्प, मैंने जो कैल्केरिया कार्प की जो ग्रुप स्टडी करवाई है वहां भी मैंने ग्रेफाइटिस की बात की है और मैं यहां भी ग्रेफाइटिस की बात कर रहा हूं। कैल्केरिया कार्प और ग्रेफाइटिस दो बहनों की तरह है। कैल्केरिया कार्प मेंटली बहुत एक्टिव होता है लेकिन फिजिकली स्लो होता है, जबकि ग्रेफाइटिस जो कि कार्बन ग्रुप को बिलोंग करती है वो मेंटली स्लो होती है लेकिन फिजिकली बहुत हार्ड वर्कर होती है। मतलब आपने अगर कोई आप ऐसी लेडी से मिलते हैं जो थोड़ी सी ओबेस है, फेयर कलर्ड है, चुपचाप घर का काम करती रहती है, किसी से कोई कुछ बोलती करती नहीं है, ठीक है, और जिसने जो काम दे दिया, अगर आपने सुबह से शाम कुछ भी काम दे दिया, कितनी भी मेहनत का काम दे दिया वो काम कर देगी, लेकिन अगर उससे दिमाग लगाने का कोई भी काम दे दिया, अगर उसको दे दिया कि ये मैथमेटिक्स का जरा ये क्वेश्चंस हल कर दो या पढ़ने बैठ जाओ या कोई आर्टिस्टिक काम कर लो, तो उसको बड़ी मतलब उसको एवर्जन है इस चीज से। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइटिस मेंटली एबल नहीं होती, मेंटली स्लो होती है। तो यहां भी ये चीज देखने को मिलती है। जो भी कार्बन ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं वो ना तो उनकी थिंकिंग में वो एक्टिव होते हैं, ना ही उनकी मेमोरी बहुत एक्टिव होती है, इसलिए लॉस ऑफ मेमोरी के लिए जाने जाते हैं ये, लॉस ऑफ थॉट के लिए जाने जाते हैं, लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल। अब आते हैं हम फिजिकल लेवल पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ये बात फिजिकल लेवल पर बहुत अच्छी तरह पिकअप कर ली तो आप मेरे सवाल का आंसर भी दे पाएंगे लास्ट में। फिजिकल लेवल पर भी कार्बन ग्रुप की सारी मेडिसिंस स्लगिश होती हैं। कैसे? हम एक एक सिस्टम को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले जीआईटी। जीआईटी आप सभी जानते हैं, चाहे वो ग्रेफाइटिस हो चाहे वो कार्बोवेज हो, इनडाइजेशन के लिए बहुत जानी जाती है। जब आपकी जीआईटी स्लो होगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी, तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। डाइजेशन नहीं अच्छा होगा तो आपको फ्लैचुलेंस होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ग्रेफाइटिस और कार्बोवेज स्लो डाइजेशन के लिए बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं। तो आपको जीआईटी के लेवल पर स्लोनेस दिख गई। अब अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पर भी कार्बन ग्रुप की मेडिसिंस स्लोनेस को दर्शाती हैं। यहां पर मरीज को क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा वो, तो उसके खून में हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो जाएगा तो उसकी सांस फूलने लग जाएगी, ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगी उसको, उसको साइनोसिस होने लग जाएगी। साइनोसिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्लोनेस ऑफ
ऑक्सीजन इनहेलेशन, अगर मैं इसको ऐसे लूं कि चूंकि उसमें साइनोसिस इसलिए प्रोमिनेंट है चूंकि उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो कहीं ना कहीं हमारा रेस्पायरेशन प्रॉपर नहीं है, स्लो है, दैट्स व्हाई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम साइनोसिस। तो जीआईटी के लेवल पर भी आपने स्लोनेस देखी, रेस्पायरेटरी के लेवल पर भी आपने स्लोनेस देखी, उसी तरीके से आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लेवल पर भी स्लोनेस देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कार्बन ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं, पर्टिकुलरली कार्बोवेज, हर जगह कंजेशन, ब्लड की फिलिंग, हर जगह खून भरा हुआ है, वेरिकोसिटीज, शॉक, कोलैप्स, अगर जरा सा पेशेंट को थोड़ा सा भी डायरिया एंड वॉमिटिंग हो गया पेशेंट कोलैप्स में चला जाएगा। कार्बोवेज इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्बोवेज इज द वेरी गुड रेमेडी फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, कार्बोवेज इज द वेरी गुड रेमेडी फॉर वेरिकोसिटीज, जहां खून भर जाता है, जहां खून भरने के कारण आपकी जो वेन्स है वो फट जाती हैं और उनसे पैसिव ब्लीडिंग होने लगती है, तो यहां भी आपको स्लोनेस देखने को मिलेगी। अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएं तो आपको स्टरलिटी देखने को मिलेगी, और ये स्टरलिटी प्रोमिनेंटली कहां मिलेगी आपको, ग्रेफाइटिस के अंदर। आप देखिए ग्रेफाइटिस की जो लेडी होती है वो एमिनोरिया से सफर करती है और उसको स्टरलिटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, या मैं कहूं उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ स्लोनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं स्किन की बात करूं तो आप देखिए चाहे वो कार्बोवेज हो, ग्रेफाइटिस हो, पेट्रोलियम हो, इनमें क्या है, स्किन स्लो है, काम नहीं कर रही, इसका मतलब उनमें ड्राइनेस है, और जब स्किन आपकी ड्राई होगी तो वो क्रैक्ड होगी, उसमें दरारें पड़ जाएंगी, फिर वो चाहे ग्रेफाइटिस हो चाहे पेट्रोलियम हो, क्रैक्स के लिए बहुत जानी जाती हैं। तो यहां क्या शो हो रहा है कि स्किन प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो स्किन के लेवल पर भी स्लोनेस आ गई। अगर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी भी बहुत स्लो है, इसलिए आप देखिए कार्बोवेज में बहुत जल्दी जल्दी इंफेक्शंस पाए जाएंगे, उसको एक्ने होंगे, उसको बॉयल होंगे, वो भी पकने वाले होंगे, ठीक है, उसको गैंग्रीन होगी। अब यहां पर गैंग्रीन दो प्रकार की हो सकती है कार्बोवेज को, एक तो चूंकि उसकी इम्यूनिटी कम है और बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सीवियरिटी से इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए ये एक इन्फेक्टिव गैंग्रीन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी ये अफेक्ट करती है और ब्लड फ्लो को स्लो कर देती है, इसलिए यहां पर ये इश्चिमिक गैंग्रीन के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये जितने भी सिस्टम मैंने आपको बताए इन सभी में स्लोनेस नजर आ रही है, तो आपको छह फीचर याद रखने कार्बन ग्रुप के अंदर। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो सबसे पहले बोलूंगा, दैट इज स्लगिशनेस, फिर हेमरेजिक टेंडेंसी, ग्लैंडुलर अफेक्शंस, ऑफेंसिवनेस इन द डिस्चार्जेस, अल्सरेटिव टेंडेंसीज, बर्निंग पेन्स। तो दोस्तों ये हैं कार्बन ग्रुप के कॉमन फीचर्स, जिनको मैं समझता हूं आपने सुनकर आपको कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, क्रियोजोटम, कार्बो एनिमेलिस सारी मेडिसिन याद हो गए होंगे। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि मुझे आपको ये कमेंट करके बताना है कि कार्बोवेज गैंग्रीन के लिए अच्छी मेडिसिन क्यों है। जैसा मैंने कहा मेरे वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो इसी में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, आशा करता हूं आप सभी लोग करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो मेरा वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। गुड बाय, थैंक यू।